गुड मॉर्निंग सभी को वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गुड़गांव का देसी छोरा थैंक यू सुबह के बज रहे हैं दस और मैं करी नाश्ता आलू का पराठा और चाय और अभी आरुष की ऑनलाइन क्लास शुरू होगी तो वो क्लास लेगा बैठ के आरुष की शुरू हो गई है क्लास क्योंकि ठंड की वजह से पहले बोला था कि स्कूल सुबह से स्कूल आना है और फिर सुबह सुबह मैसेज आया है कि नहीं आना है वो ऑनलाइन क्लास ही चलेगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो पंद्रह तारीख तक ऑनलाइन क्लास चलेगी जो कि नीचे अक्की पड़ रहा है और ये आरुष ऊपर पड़ रहा है गुड मॉर्निंग आजकल तो ठंड हो रही तो गुड मॉर्निंग ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे ही होती है तो इसलिए बज रही है साढ़े ग्यारह अब जाके बिस्तर छोड़ा सब ने और घर फैला पड़ा है अभी पूरा क्योंकि इतने दिन से साफ़ सफाई ढंग से हो नहीं रही थी बहुत बुरा हाल हो रहा है घर का भी क्योंकि इतने दिन से वैसे सृष्टि सफाई करती थी सृष्टि गई है उस दिन से मुझे सृष्टि की सफाई के नाम पर बड़ी याद आ रही है क्योंकि सृष्टि बहुत अच्छी सफाई करती थी और सृष्टि ने पता है क्या करा सृष्टि ना वाजपेसन मांजती थी मैं बताती हूँ यहाँ पर ये देखो सृष्टि ना वाजपेसन मांजती थी तो अभी सृष्टि ने ना यहाँ से ना ये वाल बंद कर दिया ठीक है और वाल बंद करने के बाद क्या हुआ चार दिन से मशीन नहीं चल रही थी मैंने सोचा कि मशीन ख़राब हो गई ठीक है मशीन ख़राब हो गई कपड़े इतने सारे हो गए रोज़ मशीन वाले को बुला रही भैया मशीन देख लो मशीन देख लो तो मैंने क्या करा छत पर डबल मशीन लगा ली अभी सुबह अब छत पे डबल मशीन लगा कर आई हूँ कपड़े धो रही हूँ अचानक मेरा मन हुआ कि मैं वाल को घुमा के तो चलाऊँ जैसे ही मैंने वाल को मशीन घुमाई एकदम मशीन चल गई और इतना वो हुआ कि अभी तो मशीन ही लगा कर आई हूँ और चार दिन से कपड़े इसलिए थे कि मशीन ख़राब हो गई और वाल घुमा दिया था किसी बच्चे ने अब ये भी मशीन लगा रखी है और छत पे भी मशीन लगा रखे दिखाती हूँ ये अभी धुले और अभी घूम रहे हैं छत पे भी दिखा तो कितने कपड़े हैं देखो छत पे कपड़ों की भरमार ये देखो ये देखो कपड़े इतने कपड़े और ये देखो अरे देखो कंबल गाड़ी में जो रखा है हरे भगवान कपड़े कपड़े ऊपर से मशीन भी लगा कर गई हूँ देखो कि मैंने सोचा मशीन ख़राब हो गई उस चक्कर में चार दिन के कपड़े हैं ये और नीचे इतना काम था धूप निकल नहीं रही थी जिस चक्कर में हम कपड़े नहीं धो पाए अब ममता धो ममता कर रही है नीचे खाना दाल बना रही है दिव्या का खाना बना रही है और मैं धो रही हूँ कपड़े अब कुछ यहाँ धोंगी, कुछ नीचे धोंगी। धूप ना हमको नहीं है देख लो कितना टाइम हो रहा है हवा चल रही है तेज बीमार अलग हो रहे हम तो चलो भाई करते हैं काम फाई भी कर दिए दोपहर के बज रहे हैं दो और अभी कपड़े धुल ही रहे हैं अभी नहाना भी है और ये देखो अभी तो कपड़े धुल रहे हैं कितने सारे कपड़े थे ये देखो अभी छत पे जितने भी कपड़े थे ना मैं छत पे से लाई नहीं मैंने वो कपड़े छत पे ही धो लिए मैंने कहा अभी इन्हें नीचे क्या लेकर जाऊँगी तो जो यहाँ पर कपड़े थे मैं उन्हें नहीं डाल रही हूँ अभी मशीन में छत पे भी दिखाऊंगी अभी छत पे भी मैंने इतने सारे कपड़े छत पे पर डबल मशीन में धो दिए और यहाँ भी धुल रहे हैं जितनी जल्दी काम खत्म होगा उतना सही है ठंड का टाइम है क्योंकि बीमार हो रहे हैं अभी बीमारी से उठे हैं बस देखते हैं कितने वजन आते हैं अभी ये सारे कपड़े पड़े हैं अब ये देखो छत पे ये सारे कपड़े मैंने हाथ से इसके अंदर डबल मशीन में धोए हैं ये देखो ये सारे कपड़े� और अभी पड़े हैं नहीं थे सारे कुछ ही नीचे है। पर ना ऑटोमेटिक मशीन का ना ये बात है कि ऑटोमेटिक मशीन में ना एक घंटे डेढ़ घंटे में एक बार के कपड़े धुलते हैं और इसमें ना डेढ़ दो घंटे में सारे कपड़े धुल जाते हैं डबल मशीन का ये फ़ायदा होता है वैसे ऑटोमेटिक का ये होता है कि हम उसमें मशीन में कपड़े डाल के और भी काम कर सकते हैं ये है अभी दोपहर के बज रहे हैं ढाई ममता ने दाल बनाई अभी खाना वाना बन गया है और मम्मी सबसे नीचे सारे बच्चों को निहार रही है सबको नीचे निला रही मम्मी दोपहर शाम को पाँच बजे हटे थे हम सारा काम करके फिर खाना वाना खाकर नीचे चली गई थी मैं और दिया। क्या लाया आमलेट तूने बनाया आई ये देखो <laughs> नीचे वही दोपहर को जो दाल बनी थी ना वही रखी हुई है बहुत सारी हमने कुछ बनाई नहीं बस हमने रोटी बनाई है तो ये आरुष अपने आप खुद ही बनाया तूने सच्ची में मैंने बनाया ये आरुष आमलेट बना कर लाया अपने लिए दिखा खा के देखूंगी अच्छा बन रहा है <laughs> बना लेता है तू आमलेट तो <laughs> नमक अपने आप अप गिर था बिल्कुल सही गिर रहा है अच्छा खा ले